डियर स्टूडेंट्स, मैं चैन सर इस जगह पर आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आपका जो हिंदी का जो मेधा बुक है, तो इसका जो निर्मल ग्राम नामक जो पाठ है, तो इनके जो संपूर्ण जो प्रश्नों के जो उत्तर है आपके इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए। तो चलिए, जो हम फर्स्ट जो आपका प्रश्न आता है, इन प्रश्नों के उत्तर बताइए। इसमें क नंबर था कि बुधराम और शक्ति सिंह कहाँ जा रहे थे। तो उत्तर में आपको हो जाएगा कि बुधराम और शक्ति सिंह टौर शिक्षा केंद्र जा रहे थे। फिर आपका ख नंबर आता है कि गुटके की पीक कौन थूकता है और कहां। तो उत्तर में आपको हो जाएगा कि गुटके की पीक नन्हकू सड़क पर थूकता है। फिर आपका ग नंबर का प्रश्न है कि केले का छिलका किसने फेंका और कहां पर। तो उत्तर में हो जाएगा केले का छिलका राधिका ने सड़क पर फेंका। फिर आपका आता है घ नंबर का कि निर्मल ग्राम का लक्ष्य पूरा होने पर कितना पुरस्कार मिलता है। तो उत्तर में आपका हो जाएगा कि निर्मल ग्राम का लक्ष्य पूरा होने पर 5,000 से लेकर 5,00,000 तक का पुरस्कार मिलता है। फिर आपका आता है ड नंबर का कि नारा लगाने की बात किसने कही। उत्तर में हो जाएगा नारा लगाने की बात शक्ति सिंह ने कही। फिर आपका दूसरे नंबर का इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए में का नंबर आता है कि नन्हकू ने बुधराम और शक्ति सिंह को देखकर क्या जानना चाहा था। उत्तर आपका हो जाएगा कि नन्हकू ने बुधराम और शक्ति सिंह को देखकर यह जानना चाहा कि वे दोनों कहां जा रहे हैं। तो ये क नंबर का उत्तर हुआ। फिर ख नंबर आता है कि नन्हकू और रधिया ने सड़क पर किस प्रकार गंदगी फैलाई थी। तो नन्हकू ने गुटके की पीक सड़क पर थूकी और रधिया ने सड़क पर केले का छिलका फेंक कर गंदगी फैलाई थी। फिर आपका आता है कि शक्ति सिंह ने किस जिम्मेदारी की बात कही। तो उत्तर होगा शक्ति सिंह ने कहा कि जिस तरह ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है, उसी तरह हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम कचरा निर्धारित स्थान पर ही फेंके। फिर आपका अगला प्रश्न आता है घ नंबर की शक्ति सिंह और बुधराम ने सफाई से संबंधित किन किन कामों की बात की थी। जितने भी आपके जो पाठ में जो है शक्ति सिंह बुधराम ने सफाई की बात की थी, उन सभी कामों को मैंने यहाँ पर नोट कर दिया। आपको लगता है लंबा है आंसर, तो आप कम पॉइंट ही नोट कीजिएगा, वो आपके ऊपर है। उत्तर में अगर घर में जिस तरह हम साफ सफाई रखते हैं, वैसे ही बाहर भी साफ रहने दे। घर के बेकार पानी की निकासी सोखता गड्ढा में या घर के बाग बगीचे में करें। खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोएं। रोज नियमित रूप से स्नान करें तथा दांतों की सफाई का ध्यान रखें। नाखून भी कटे हुए रखें। घर के कूड़े कचरे को एक जगह गड्ढा बनाकर ढक कर रखें। शौच हेतु खुले में नहीं जाए, घर में शौचालय बनवाए। तो इस तरह के इन कामों की बात शक्ति सिंह बुधराम ने कही थी। फिर आपका आता है घर के बाद आपका आता है डेड नंबर का कि जो शौचालय निर्माण की योजना कौन चलाते हैं। तो उत्तर में हो जाएगा शौचालय निर्माण की योजना भारत सरकार, राज्य सरकार और यूनिसेफ मिलकर चलाती है। फिर आपका अगला आता है छ नंबर में कि संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत गांव के युवक या युवती को किस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता है। उत्तर में आपका जाएगा संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत गांव के युवक या युवती को गांव वालों को पेयजल के रखरखाव, बेकार पानी के सुरक्षित निपटान, घर एवं भोजन की स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता तथा सामुदायिक एवं गाँव की संपूर्ण स्वच्छता के बारे में समय समय पर प्रशिक्षित किया जाता है। तो ये च का उत्तर हुआ। फिर आपका अगला आता है इन प्रश्नों के उत्तर बताइए छह नंबर का कि निर्मल ग्राम की योजना के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा कि निर्मल ग्राम की योजना में गांव को पूरी तरह से साफ सुथरा रखने पर गांव निर्मल ग्राम बन जाता है। फिर आपका जय नंबर आता है निर्मल ग्राम के लिए पुरस्कार की राशि कौन प्रदान करता है। उत्तर हो जाएगा निर्मल ग्राम के लिए पुरस्कार की राशि भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान की जाती है, मतलब पुरस्कार जो है भारत के राष्ट्रपति देते हैं। फिर आपका आता है झ नंबर का कि नन्हकू और रधिया ने क्या प्रण लिया था। उत्तर है नन्हकू और रधिया ने स्वच्छता अभियान चलाने का प्रण लिया था कि वे गांव वालों को प्रेरित करेंगे। फिर आपका अगला आता है पाठ की दुनिया में जो तीसरा नंबर का प्रश्न है कि बताइए कि ये वाक्य किसने किससे कहे और क्यों कहे। ये वाक्य किसने किससे और क्यों कहे, तो इसके बारे में बताए कि तुम्हें दूसरों की जिम्मेदारी तो खूब पता है लेकिन अपनी नहीं पता। तो यह वाक्य किसने, यह वाक्य शक्ति सिंह ने नन्हकू से कहा। फिर अगर खाना मरा था कि ग्राम पंचायत में कारीगरों को भी इस योजना में प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे कम लागत में शौचालय बना सके। तो
उत्तर में यह वाक्य किसने कहा? तो यह वाक्य शक्ति सिंह ने नंदकों से तब कहा जब उसने शौचालय बनवाने के बारे में जानना चाहा। फिर गण नंबर आता कि भाई इस योजना को गांव में अच्छे ढंग से लागू कर दिया जाए तो गांव निर्मल हो जाता है। अब यहाँ पर उत्तर में होगा किसने कहा? तो संपूर्ण स्वच्छता अभियान के बारे में प्रश्न पूछने पर शक्ति सिंह ने यह वाक्य नंदकू से कहे। फिर आपका जीने की राह में जो पहला नंबर का प्रश्न आता है कि सड़क या किसी सार्वजनिक स्थान को गंदा न करना हमारी जिम्मेदारी है और यह नियम के विरुद्ध भी है। यदि आप किसी को ऐसा करते देखते हैं तो आप क्या करना चाहेंगे? कोई गंदगी फैला रहा है तब आप क्या करेंगे? इसका उत्तर आपको देना है। तो यदि मैं किसी को गंदगी फैलाते हुए देखता तो उसे रोकने की कोशिश करता। सबसे पहले हम उसे रोकेंगे, अगर वो नहीं मानेगी, यदि मैं उन्हें रोक नहीं पाता तो मैं उन्हें जुर्माना देने के लिए अधिकारियों को सूचित करता, मतलब अधिकारी को बताऊंगा कि उसने जो गंदगी फैलाया तो उनको पनिशमेंट मिलेगा। फिर आपका दूसरा आता है कि खुले में शौच करने से क्या क्या परेशानी हो सकती है? तो उत्तर में हो जाए क्योंकि भाई खुले में शौच करने से तरह तरह की बीमारियां फैल सकती है। फिर आपका अगला आता है कि नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो क्रिया विशेषण शब्द है तो तुमने यहाँ क्यों थूका, तो यहाँ क्या है आपका क्रिया विशेषण है। केले के छिलके उधर फेंकने थे तो उधर जो है क्या आपका क्रिया विशेषण है। फिर नमक को धीरे धीरे सब कुछ समझने लगा था तो धीरे धीरे क्या है क्रिया विशेषण है, रेखांकित यहाँ पर लाइन खींचा हुआ है ना। फिर आपका रदिया जोर से नारा लगाने लगी तो यहाँ पर जोर से क्या है आपका क्रिया विशेषण है। फिर कल मैं यह बात दूसरे गांव वालों को बताऊंगी, कब बताऊंगी तो कल, कल मतलब क्या है क्रिया विशेषण है। फिर वाह भैया आपने भी खूब कही तो ये क्या है खूब जो है क्रिया विशेषण है। फिर अब हमारी समझ में सारी बात आ गई तो अब यहाँ पर क्या है क्रिया विशेषण है। फिर तीसरा नंबर आता है इन शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए और संधि के भेद लिखना है। शब्द है संधि पद यहाँ पर आएगा निर्मल है तो इसका विच्छेद क्या हो जाएगा नि और मल। संधि के भेद कौन से है तो विसर्ग है। खा नंबर आता है वातावरण, वातावरण वात और आवरण इनसे बना हुआ है एक वातावरण। संधि के प्रकार में भेद में देखेंगे तो स्वर संधि है। शौचालय तो शौच और आलय से मिलकर बना और ये क्या है स्वर संधि है। फिर आपका आता है पंचायत, पंचायत है पंच और आयत से मिलकर बना हुआ है ये भी क्या है स्वर संधि है। फिर आपका संपूर्ण सम और पूर्ण से बना हुआ है व्यंजन संधि है ये। फिर आपका आता है सदुपयोग, सदुपयोग का संधि विच्छेद होगा सद और उपयोग और इसका जो संधि का भेद होगा वो हो जाएगा व्यंजन संधि। फिर आपका चौथा नंबर आता है कि पाठ में से नुक्ता वाले एक एक शब्द लेकर यहाँ दिए गए हैं उनके सामने नुक्ता वाले तीन तीन शब्द लिखना है। तो यहाँ पर जैसे जा, जा का क्या है कमजोर, वजह वजन जरूर। यहाँ पर आता है फा का साफ, फसल बेवकूफ और फौरन। फिर आपका आता है कि इन शब्दों में प्रयुक्त तो उपसर्ग की पहचान कीजिए और उनसे बने दो दो नए शब्द लिखिए। उपसर्ग की पहचान करने जैसे शब्द है अनपढ़, तो अनपढ़ में क्या है अन जो है क्या है उपसर्ग है तो अनजान और अनहोनी। फिर आपका आता है उपयोग, उपयोग में क्या है उप जो है क्या है उपसर्ग है तो उप से दो और शब्द बनाने हैं तो उपकार और उपदेश। फिर आपका गम है प्रसार, प्रसार क्या है आपका प्र जो है आपका उपसर्ग है तो उससे शब्द बनेगा प्रसिद्ध और आपका प्रभाव। फिर आपका आता है अभियान, अभियान का क्या है अभी जो है उपसर्ग है तो इसमें अभिज्ञान और अभियुक्त ये जो है दो नए शब्द हमने बना लिए यहाँ पर। फिर आपका लाता है कि इन शब्दों को शुद्ध करके लिखिए, शब्दों को शुद्ध करके आपको लिखना है। अशुद्ध शब्द है स्वच्छता तो इसका शुद्ध शब्द हो जाएगा स्वच्छता। जिम्मेदारी, जिम्मेदारी का क्या हो जाएगा जिम्मेदारी। फिर आर्थिक, आर्थिक का इस तरीके से शुद्ध शब्द आर्थिक होगा। फिर निर्धारित, निर्धारित का क्या होगा इस तरीके से निर्धारित है ये शुद्ध होगा। फिर आपका शौचालय, शौचालय इस तरीके से ये जो शुद्ध होगा शौचालय। फिर आपका छिलका तो छिलका है इस तरीके से शुद्ध छिलका शब्द होगा। फिर आपका आता है निकासी, निकासी का शुद्ध शब्द होगा निकासी इस तरीके से। फिर आपका आता है गड्ढा, गड्ढा का इस तरीके से शुद्ध शब्द गड्ढा होगा। फिर आपका लाता है भाषा की दुनिया में सातवें नंबर इन शब्दों से वाक्य, वाक्य बनाना है सटीक, सटीक के उसने प्रश्नों के सटीक उत्तर दिए। फिर आपका आता है अनपढ़, अनपढ़ का ननकु अनपढ़ था। फिर वाक्य नियमित है तो नियमित से वाक्य क्या बनता है नियमित व्यायाम करना चाहिए। प्रोत्साहन, सरकार बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन दे रहा है।
तो ये प्रोत्साहन से शब्द बन गया, वाक्य बन गया शब्द से। देन पुरस्कार, पुरस्कार का मेधावी छात्रों को पुरस्कार दिया जाता है, जो मेधावी जो छात्र होते हैं तो उनको क्या किया जाए, पुरस्कृत किया जाता है। फिर आपका आता है जो उत्तर सही है उसके सामने आपको सही का निशान लगाना है। तो यहाँ पर भाई का स्त्रीलिंग होता है, भाई का स्त्रीलिंग क्या होगा, बहन होगा कि बहन होगा कि बहना होगा कि आपका वहन होगा, क्या होगा, बहन होगा भाई का स्त्रीलिंग। फिर आपका खाना नंबर आता है कि सुरक्षित में जुड़ा प्रत्यय है, जैसे आपको पता है सामने अगर लगता है तो उपसर्ग होता है, पीछे लगता है तो प्रत्यय होता है, तो सुरक्षित या फिर इत, तो आपको पता ही होगा प्रत्यय मतलब इत जो है क्या लगा है, नीचे प्रत्यय लगा हुआ है इत। फिर आपका आता है यह वाक्य शुद्ध है, इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, शौचालय बहुत महंगा बनता है, शौचालय बहुत महंगे बनता है, शौचालय बहुत महंगी बनते हैं या फिर शौचालय बहुत महंगी बनते हैं, तो सही हो जाएगा शौचालय बहुत महंगा बनता है, ये एक शुद्ध वाक्य है। फिर आपका रचना का संसार आता है, इसमें पहला नंबर का कि प्रौढ़ व्यक्ति को साक्षर बनाने के लिए सरकार का प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय कार्यरत है, इस निदेशालय के द्वारा आपकी जानकारी प्राप्त करना है। तो उत्तर हो जाएगा कि प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, इसका उद्देश्य उन प्रौढ़ व्यक्तियों को शिक्षित शैक्षिक विकल्प देना है जिन्होंने यह अवसर गंवा दिया है और औपचारिक शिक्षा आयु को पार कर चुके हैं। फिर आपका दूसरा नंबर आता है कि राष्ट्रीय स्वच्छता योजना के अंतर्गत भारत सरकार वर्ष 2017 से दरवाजा बंद अभियान चला रही है, इस अभियान से संबंधित जानकारी प्राप्त करके एक अनुच्छेद लिखना है, मतलब दरवाजा बंद अभियान के बारे में आपको लिखना है स्वच्छता के बारे में। तो उत्तर हो जाएगा दरवाजा बंद अभियान का मुख्य उद्देश्य शौचालयों के प्रयोग को बढ़ावा देना था, इस अभियान के अंतर्गत शौचालयों के निर्माण, उनके अनुरूप डिजाइन और उनके उपयोग के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है, इस अभियान का उद्देश्य खुले में शौच मुक्त भारत का निर्माण करना भी है। फिर आपका अगला आता है तीसरे नंबर का कि सफाई से संबंधित कुछ नारे बनाइए और अपने मोहल्ले या पार्क में जगह जगह लगाइए। तो सफाई से संबंधित नारे यहाँ पर दिए गए, स्वच्छता ही सेवा है, स्वच्छता अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छता का रखे ध्यान, बीमारियों से रहे दूर, फिर स्वच्छता अभियान चलाओ, देश को स्वच्छ बनाओ, स्वच्छता अभियान शुरू करो, खुशहाल जीवन जियो। तो इस तरीके से ये जो स्वच्छता से संबंधित आपके नारे थे और इसी तरीके से ये जो अध्याय से संबंधित जितने भी आपके प्रश्नों के जो उत्तर थे उसके जो समाधान है मेरे द्वारा आपको दे दिया गया। आशा करता हूँ यह जो है आपके लिए बहुत ही मददगार होगा। अगर वीडियो मददगार है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, अपने क्लास फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो सके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि इस तरीके से हेल्पिंग वीडियो इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे। सो ओके, थैंक यू।